सभी मिलकर हीरोज के लिए झांकी का आयोजन करते हैं। इंदौर के अलग अलग अखाड़ों से यहाँ पर सभी कलाकार और खलीफा और सूरवीर आते हैं, जो इसी तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जनता का मन मोह लेते हैं। अभी आगे आपको एक से बढ़कर एक अखाड़े के कलाकार और सूरवीर देखने को मिलेंगे। इंदौर की कपड़ा मिले आज से करीब 20-25 साल पहले सभी बंद हो चुकी है, नुकसान होने की वजह से उसे बंद। ये जिन अखाड़ों को सम्मान मिला है, ये पूरे उनके सम्मान और मेडल के साथ में। ये देखिए बाल कलाकार, ये जो आप अखाड़ों के सुरमा की कलाबाजी देख रहे हैं, ये पूरी रात इसी तरह से दिखाते हैं। और ये झांकी का जो रूट है, ये छोटा सा रूट नहीं होता, ये कम से कम 5 से 7 किलोमीटर का रूट बन जाता है। और इसी तरह से इनमें पूरा जोश भरा रहता है रात भर। देखने वाली जनता जिस तरह से रहती है, इनका भी उत्साह उसी तरह का रहता है। यहाँ पर देखिए कलाकारों द्वारा, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, किस तरह से शानदार ढोल बजाया है और गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाया है। ये देखिए हमारा भगवा ध्वज चांद तक पहुँच गया। ये देखिए स्काउट के बच्चे पूरे मोर्चा संभालते हुए, कहीं पर भी अव्यवस्था होने ही नहीं देते। इसी तरह से कभी अखाड़े कभी झांकी, देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ। थक जाओ तो आसपास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, खाओ पियो घूमो फिरो और गणेश जी के उत्सव का आनंद लो। ये देखिए अखाड़े के बाल कलाकार का शानदार प्रदर्शन। बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए तो बच्चे क्या नहीं कर सकते। अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़िए, मोबाइल गेम की लत अपने आप छूट जाएगी। झांकी का ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही था
कि जो इंदौर का कल्चर है पूरे भारत में पता चले, और ये उन माता बहनों को समर्पित है जो जिनकी झांकियां देखने की तो बहुत इच्छा होती है, पर कुछ लोग भीड़ से बचने के लिए नहीं देख पाते हैं, कुछ लोग बुजुर्ग लोग हाथ पांव से मजबूर हो चुके हैं, और कुछ लोग पैसे की तंगी के कारण या घर की अव्यवस्था के कारण झांकी देखना नहीं आ पाते हैं। इसलिए मैंने इसको पूरा विस्तार से पूरी झांकी बनाई है। मैंने झांकी जो गुरुद्वार से स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग से लेके जहाँ पर भंडारी मिल का जो ब्रिज शुरू होता है वहाँ तक की पूरी झांकी इसके अंदर दिखाई है। झांकी के बीच बीच में जो अखाड़े चले हैं उनको भी मैंने दिखाने का पूरा कोशिश करी है कि जो आपको अच्छी से अच्छी चीज़ इस वीडियो के अंदर मिल सके। आइए, अभी तो बहुत सारे अखाड़े और झांकियाँ बाकी है, उनका आनंद लेते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हों तो आपसे निवेदन है कि आप उसको लाइक भी कीजिए और अपने लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, आगे और अच्छे वीडियो बना सके। और आपको और अच्छे वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये देखिए हमारे नव निहाल अखाड़ों के बच्चों को। इसके बाद आपको भंडारी मिल की 3 झांकियां देखने को मिलेगी। शानदार प्रदर्शन है बच्चों का झांकी पर। इसके पहले एक वीडियो और है, आप ऊपर जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ये झांकी का दूसरा भाग है, पहला भाग 22 मिनट का है और ये दूसरा भाग जो है ये 40 मिनट का है। पूरी झांकी आपको 1 घंटे में देखने को मिल जाएगी। चलती फिरती झांकी देखने का यही सबसे बड़ा मज़ा है। अखाड़े देखते रहिए, भीड़ का मज़ा लीजिए, और जो मेला लगता है और जो झांकियाँ चलती है ये देखने लायक रहता है। और मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को देखा है जिन्होंने पुराने समय पर झांकियाँ देखी है पर वो किसी न किसी मजबूरी के कारण वो नहीं देख पाते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि उन तक ये वीडियो पहुँच सके। और आपसे भी निवेदन है कि ऐसे सभी लोगों के साथ आप शेयर इसे ज़रूर करिए ताकि अपने इंदौर का कल्चर अधिक से अधिक लोगों को मालूम भी पड़े और वो इसका आनंद भी लें। मेरी तो पूरी कोशिश है कि अपने इंदौर का नाम पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। इसी के अंदर तक जो भी कुछ अच्छा दिखता है इंदौर का मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। आई लव माई इंदौर, स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर, नंबर 1 इंदौर, मेरा इंदौर, हमारा इंदौर। ये देखिए हमारी छोटी बहन को जो पूरी जनता के सामने अपनी कला का प्रदर्शन कर रही है, जिसे सब वाह वाह भी कर रहे हैं। सुपुत्र हैं अभी थोड़ा आगे, अभी इसके बाद के आप झांकी देखेंगे तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी भजन गाते हुए आपको दिखेंगे, साथ में आपको आकाश जी भी दिखेंगे। ये देखिए चाल से कला दिखाते हुए अखाड़े के कलाकार। अगली झांकी हमारे संकट में अभी आपको बैक टू बैक 3 अखाड़े देखने को मिलेंगे, उसके बाद फिर झांकियाँ चालू होंगी।
ये अखाड़े में अपनी कला दिखाते हुए हमारे सूरवीर और डीजे पे नाचते हुए हमारे युवा। बस इसी अखाड़े में विवाद हुआ था, ध्यान से देखिएगा, आपको विवाद समझ में आ जाएगा। उम्मीद है इंदौर का इतना बड़ा इवेंट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय श्री गणेश, सबकी रक्षा करना।